अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने वाले हैं रबड़ी मलाई रोल की रेसिपी। ये आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही जूसी बनता है, साथ साथ इसका कलर बहुत ही अच्छा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पिक में कितनी अच्छी कलर है, रियल में ये और ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप जब भी आपके घर मेहमान आए, आप उनको सर्व करें या किसी भी ओकेशन पे बनाएं, सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पैन। आप यहाँ पे कोई बर्तन और गहरा मतलब पतीली भी ले सकते हैं। और मैंने इसमें डाला है 3 पाव दूध, फुल क्रीम दूध है ये। अब इसको अच्छी तरीके से पकाना है हमें। तो भी देखिए, ये भी मैंने थोड़ा देर इसको पकाया है, अब ये कम होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी इसी तरीके से इसको पकाते रहेंगे। इसको कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नॉन स्टिक पैन में ले रहे हैं तो। अगर हाँ आप ऐसे किसी स्टील के पैन में ले रहे हैं तो ध्यान देते रहिएगा, थोड़ा थोड़े देर पे चलाते रहिएगा। और नॉन स्टिक पैन वाले में भी जो साइड्स में दूध लग जाएंगे उनको आप चुराते रहिएगा। जब तक वो उबलेगा तब तक हम यहाँ पे अपने बनाएंगे खोआ। ये मेरा इंस्टेंट खोआ है, उसमें मैंने डाला है येलो कलर का फूड कलर और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। अब मैं इसको इस तरह से लंबा कर लूँगी। तो ये भी इसी तरीके से हमें सारे पीसेस को बना लेना है। तो टोटल 5 पीस मेरे इसमें रेडी हो गए हैं। अब ये तैयार है, चलिए देखते हैं दूध पका है अच्छी तरीके से नहीं। हाँ, तो दूध बस ऑलमोस्ट होने वाला है। मैं इसको हाई फ्लेम पे उबाल रही हूँ। इसमें मैंने तकरीबन 3 चम्मच डाला है चीनी का, और थोड़ा सा इसमें भी येलो फूड कलर डाल रही हूँ ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छा आए। अभी इसे और पकाएंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के रेडी हो गया है। अभी ये जितना थिक है मतलब ये जितना पतला है, अभी मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। ठंडा होने के बाद ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा। तो आप चाहें तो इससे भी पतला जब रहे तब भी बंद कर सकते हैं। तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और लेंगे एक ब्रेड, उसकी साइड्स को इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से सारे ब्रेड के साइड को निकाल लेना है। अब साइड निकले हुए ब्रेड को लेना है और उसको बेल लेना है। और हाँ, जो साइड्स निकलेंगी उनको आप धूप में सुखा लीजिएगा, या ऐसे ही कहीं एयर टाइट पॉलिथिन वगैरह में बंद करके रख दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत सी जगह यूज़ होते हैं। तो अब मैंने इसको बेल लिया है। अब मैं इसमें जो मैंने खोए का रोल बनाया था उसको रख के इस तरीके से रोल करूँगी। तो ये मेरा रेडी हो गया है रोल। अभी एक और मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले इसको इस तरह से बेलेंगे। उसके बाद उसमें खोया भरेंगे। इसी तरीके से जितने पीसेस तैयार करने होंगे उनको हम रख लेंगे। तो अब मेरा ये रोल रेडी हो गया है, अब बस रबड़ी इस पे डालना है। अब हम इस पे रबड़ी डालेंगे। रबड़ी जब हमने फ्लेम बंद किया था तो काफ़ी पतला दिख रहा था, लेकिन देखिए ठंडा होने के बाद काफ़ी थिक हो गया है। तो आपको अगर और पतला रबड़ी चाहिए तो आप और पतला रहने पे फ्लेम बंद कर दें, तो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी को आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से मैं डेकोरेट कर लूँगी। आज की मेरी ये रेसिपी बन के तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।